नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वास्तुकार अजय बाहु जोशी है। मैं पंडित लक्ष्मीचंद प्रदर्शन और दृश्यकला राज्य विश्वविद्यालय रोहतक के शहरी नियोजन और वास्तुकला के संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ। मेरी प्रस्तुति का विषय है प्रसिद्ध वास्तुकार दिवंगत चार्ल्स कोरिया के कुछ चयनित कार्य। आइए हमारे विश्वविद्यालय के बारे में आप सबको देते हैं एक संक्षिप्त परिचय। पंडित लक्ष्मीचंद प्रदर्शन और दृश्यकला के राज्य विश्वविद्यालय, जिसे सरकारी तकनीकी संस्थानों के एकीकृत परिसर के रूप में स्थापित किया गया, हरियाणा सरकार अधिनियम 2014 के नियम 24 द्वारा अस्तित्व में इस संस्थान को लाया गया ताकि अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। डिज़ाइन, दृश्यकला, शहरी नियोजन एवं वास्तुकला और चलचित्र एवं दूरदर्शन के नए मोर्चों पर ध्यान देने के साथ उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों और इनसे जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में रोहतक में स्थित है। लगभग 80 किलोमीटर दूर दिल्ली से और दिल्ली हिसार सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 और NH-1 से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो केवल पानीपत से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेल के साथ साथ सड़क से भी जुड़ा हुआ है। रोहतक ज्ञान के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ राज्य का शिक्षा केंद्र है। यह एक अद्वितीय विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है, जिसका परिसर 35 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसे अत्याधुनिक इमारतों और शानदार सड़क नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से बनाया गया है, जो वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता में सामंजस्य का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। PLC सुप्पा में विभिन्न संकायों के नाम हैं: चलचित्र एवं दूरदर्शन का संकाय, दृश्यकला का संकाय, शहरी नियोजन एवं वास्तुकला का संकाय, डिज़ाइन का संकाय। शहरी नियोजन एवं वास्तुकला संकाय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: पूर्व स्नातक प्रोग्राम में आते हैं वास्तुविद्या स्नातक BArch, 5 साल का फुल टाइम पूर्व स्नातक स्नातक पाठ्यक्रम। स्नातोत्तर कार्यक्रम में आते हैं योजना के परास्नातक शहरी और क्षेत्रीय MPlan, 2 साल का फुल टाइम स्नातोत्तर स्नातक पाठ्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। दिवंगत चार्ल्स कोरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं: चार्ल्स मार्क कोरिया 1 सितंबर 1930 से 16 जून 2015 एक भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक थे। उन्हें स्वतंत्र भारत में आधुनिक वास्तुकला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। शहरी गरीबों की ज़रूरतों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और पारंपरिक तरीकों और सामग्रियों के उपयोग के लिए उनकी सराहना की गई। गोवा वंश के एक रोमन कैथोलिक चार्ल्स कोरिया का जन्म 1 सितंबर 1930 को सिकंदराबाद में हुआ था। उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में अपनी उच्च पढ़ाई शुरू की। वे मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए सन 1949 से सन 1953, जहां बकमिंस्टर फुलर एक शिक्षक थे और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सन 1953 से सन 1955, जहां उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। सन 1958 में चार्ल्स कोरिया ने मुंबई में अपना पेशेवर अभ्यास स्थापित किया। उनकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी संग्रहालय, जिसे महात्मा गांधी स्मारक के नाम से भी जाना जाता है,
1958 से सन 1963, भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा सन 1967, मुंबई में सोनमर्ग अपार्टमेंट सन 1961 से सन 1966, गोवा में गोवा कला अकादमी सन 1970, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय सन 1975 से सन 1990, भोपाल में भारत भवन सन 1982, मुंबई के कामला हिल में कंचनजंगा अपार्टमेंट सन 1983, जयपुर में जवाहर कला केंद्र सन 1986 से सन 1992, दिल्ली में जीवन भारती भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन सन 1986, दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी सन 1987 से सन 1992, पारूमाला में सेंट पीटर्स और सेंट पॉल ऑर्थोडॉक्स चर्च सन 2000, एमआईटी बॉस्टन अमेरिका में मैकगवर्न इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च सन 2000 से सन 2005, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में सिटी सेंटर सन 2004, लिस्बन पुर्तगाल में चंपाली मौत केंद्र सन 2007 से सन 2010, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी संग्रहालय। यह आयोग निजी कार्यों में चार्ल्स कोरिया का पहला महत्वपूर्ण कार्य था। महात्मा गांधी के जीवन की सादगी और एक जीवित संस्था की वृद्धिशील प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए वास्तुकार ने 6 मीटर बाय 6 मीटर की मॉड्यूलर इकाइयों का उपयोग किया, जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के रिक्त स्थानों को दोनों जगह से खोलते और ढकते थे, जिससे अंतिम विस्तार की अनुमति मिली। बाड़े में चार्ल्स कोरिया के सूक्ष्म परिवर्तन मॉड्यूल की रोशनी, तापमान और दृश्य पारगम्यता में विविधता के लिए अनुमति देते हैं। संग्रहालय एक सरल लेकिन नाजुक रूप से विस्तृत पोस्ट और पीम संरचना का उपयोग करता है। लोड वहन करने वाले ईंट के कॉलम कंक्रीट चैनलों को सहारा देते हैं, जो लकड़ी की छत को भी सहारा देते हैं। नींव कंक्रीट से बना है और जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठाया गया है। गांधी स्मारक संग्रहालय परियोजना ने इस बात का उदाहरण दिया कि आधुनिक वास्तुकला योजना के साथ आइसोट्रॉफी की हिंदू वास्तुकला और ब्रह्मांड संबंधी विचार को कैसे जोड़ा जाए। आइसोट्रॉफी की अवधारणा फ्रैकल्स के समान एक असीम रूप से मापनीय रचना को संदर्भित करती है, जो हिंदू मंदिरों में सजावटी तत्वों के पुनरावृत्ति और हेरफेर में पाई जाती है। स्मारक संग्रहालय में मॉड्यूलर मंडप इकाई को भविष्य के विस्तार की सुविधा के लिए और संपूर्ण बनाने वाले एकल तत्व के विचार पर जोर देने के लिए डिजाइन किया गया था। चार्ल्स कोरिया ने विश्व ग्रिड योजना के भीतर 5 विशिष्ट क्रमोदेशित आंतरिक स्थान रखे। संग्रहालय की योजना की तुलना भारत के बिन्नी क्षेत्र के गांव के घरों से भी की गई है। एकल खंड के बजाय घरों में अलग अलग कृति के साथ 5 झोपड़ियां होती हैं, जो एक आंगन बनाने के लिए घेरती हैं। निवासी अलग अलग कमरों का उपयोग करने के लिए बाहरी स्थान पर आगे पीछे चलते हैं। आइए
हम सब देखते हैं अहमदाबाद में गांधी स्मारक संग्रहालय पर एक वास्तुकार द्वारा बनाई गई अंग्रेजी में एक लघु वृत्तचित्र फिल्म। If you are an architect as I am or studying architecture or have been to Ahmedabad, you surely would have heard of Gandhi Smarak Sangrahalaya. This is a museum which was made in remembrance of Mahatma Gandhi and exhibits his works, ideologies, books, letters, photographs and his possessions. You surely cannot take home all the exhibits with you, but what you can take home without a doubt is peace, although you wouldn't want to go home either. An architectural student must visit this place in his initial years of school to study basics like shade and shadow, integration of nature into the built form, microclimate, or just basic theory of design. This place has it all. Between units which show you something about Gandhiji have open spaces where you can think about what you've seen. There's such a thing as museum fatigue. When you go through room after room after room, there has to be a point at which you stop and you think about what you saw. Korea therefore felt the need to break the conventional trend and make this place different. Let's make a march to this amazing place, but without the dandi. Located in Sabarmati Ashram on the banks of River Sabarmati, the structure is a mix of open and closed spaces. It goes so well in sync with the nature that it would breathe new life into you. This is the place where Gandhi resided from 1917 to 1930 and also started the famous Dandi March from. Broadly, the site is planned like a village, with big open spaces along pathways leading to different centers, which are museum, Magan Nivas, Hriday Kunj and so on. The museum itself is divided into zones. Some spaces are dedicated for photographs, others for letters or books. Since the land has poor soil bearing capacity, the entire structure had to be placed on plinth beams spanning between the columns on top of the foundation. The plinth beam is raised off the floor, giving an impression that the structure is floating. Simple yet genius. The museum is made of natural materials like wood, brick, concrete, and stone. Beam bottom is kept low as compared to other structures so that the structure feels more human scale. You easily feel a sense of space despite low heights because of sloping roof and geometrically aligned brick piers which do not come in the line of sight. For the sake of simplicity and future expansion, the structure is one module multiplied various times. The modules are consciously placed asymmetrically to correspond to Indian villages with common meeting points, which in this case is the central water body. One module is 6 meters by 6 meters with brick piers instead of columns, sloping wooden roofs, glassless windows with only louvers, and U-shaped beams. The beams are U-shaped because they also act as channels for water drainage. After every few modules placed, there is one empty module which makes space for a courtyard. Some modules have walls, some don't, which makes the entire space transparent. This amalgamation of built form and nature is what makes the space look so lively. On the edge of every empty module is a bench that gives visitors a place to relax and appreciate the structure's beauty. Every place in the premises will rejuvenate you, even this very place. Ever thought why washrooms are referred to as nature's call? You definitely know it now. Speaking of Gandhi, there's one more thing that will certainly follow, and that is the Charkha. The premises has a dedicated area called Magan Nivas for Charkhas that Gandhi used and the yarns made out from them. The place also has a small audio-visual room which runs Gandhi's biography day and night. This is because there's a lot to learn from Gandhi's life.
इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप सब से विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।